लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। 21 उम्मीदवारों की सूची में 16 नाम उत्तर प्रदेश के हैं, तो वहीं 5 महाराष्ट्र के। पार्टी ने मुरादाबाद से प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को मैदान में उतारा है। इसी के साथ मुरादाबाद लोकसभा में तमाम सियासी अटकलों पर भी विराम लग गया। राज बब्बर के प्रत्याशी घोषित होते ही कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर आतिशबाजी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन में कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। गौरतलब है कि मुरादाबाद लोकसभा से प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के चुनाव लड़ने की पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी। बुधवार को जिला कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। देर रात आई तो कांग्रेस की सूची में मुरादाबाद लोकसभा से राज बब्बर के प्रत्याशी होते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह आ गया। उनकी उम्मीदवारी को लेकर के बेहद जोश में है, बेहद खुश है और हम लोग जो है माननीय राज बब्बर साहब को मुरादाबाद लोकसभा से कम 2 लाख वोट से जीता करके। तो वहीं दूसरी तरफ संत कबीर नगर लोकसभा सीट से टिकट के बंटवारे के बाद ही बगावत के सुर उठने लगे हैं। इस सीट से जिलाध्यक्ष परवेज खान के नाम की घोषणा होते ही कांग्रेस की गुटबाजी सामने आ गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परवेज खान का पुतला फूंक कर उनके मुरादाबाद के नारे भी लगाए। किसका पुतला फूंका? ये परवेज खान का टिकट जो कांग्रेस पार्टी ने दी है ये बहुत ही निंदनीय है। मजबूती से चुनाव लड़ेगी लेकिन इनको टिकट ना देके कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा अपना छाप खराब की है, इसलिए आंदोलन ये हम लोग हाईकमान तक ले। तो वहीं जहां एक तरफ सपा बसपा गठबंधन से अलग होकर कांग्रेस अपने अस्तित्व के साथ यूपी की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा टिकटों की घोषणा के साथ ही जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं में जोश है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी राज बब्बर जिंदाबाद जिंदाबाद।